गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में हमने सोशल साइंस में जो आपकी बुक का थर्ड पार्ट है भारत और समकालीन विश्व, इसमें हमने अध्याय वन में पेज नंबर 8 तक पढ़ लिया था। आज हम 9 से पढ़ना शुरू करेंगे। देखिए आप, जिस वक्त नेशनल असेंबली संविधान का प्रारूप तैयार करने में व्यस्त थी, पूरा फ्रांस आंदोलित हो रहा था। कड़ाके की ठंड के कारण फसल मारी गई थी और पावरोटी की कीमत भी क्या हो गई थी, आसमान छू रही थी। अब क्या हुआ था, जो असेंबली संविधान का तैयार होने में सब लोग क्या थे, व्यस्त थे, मतलब वहाँ पर सब बिजी थे। तो और कड़ाके की ठंड के कारण, मतलब बहुत तेज़ ठंड गिर रही थी, जिसके कारण क्या हो गई थी, फसल भी ख़राब हो चुकी थी। और जो पाव रोटी, जो खाने की चीज़ें थी, उनकी किस कीमत भी क्या हो गई थी, बहुत ही बढ़ गई थी। बेकरी मालिक स्थिति का फ़ायदा उठाते हुए जमाखोरी में जुटे हुए थे और बेकरी की दुकानों पर घंटों के इंतजार के बाद गुस्साई औरतों की भीड़ ने दुकान पर धावा बोल दिया था। दूसरी तरफ सम्राट ने सेना को पेरिस में प्रवेश करने का आदेश दे दिया था और क्रुद्ध भीड़ ने 14 जुलाई को बास्तिल पर धावा बोलकर उसे नेस्तनाबूत कर दिया था। अब जो बेकरी की दुकान के जो मालिक थे वो इसका फ़ायदा उठा रहे थे और अपने वो क्या कर रहे थे, दुकानें भर रहे थे सामान की, जिससे कि बाद में वो सबको ज़्यादा रेट में सामान बेच सके। और जो बेकरी की दुकानें थे उधर घंटों तक क्या हो गई थी, लाइनें जमा थी, जिसके कारण बहुत ही भीड़ हो रही थी। और जो 14 जुलाई को वहाँ पर क्या हुआ था, धावा बोल दिया गया था। देहाती इलाकों में गांव-गांव यह अफवाह फैल गई थी कि जागीरों के मालिकों ने भाड़े पर लठे तो लुटेरों के गिरोह बुला लिए और जो पक्की फसलों को तबाह करने निकल पड़े हैं। कई जिलों में भय से आक्रांत होकर किसानों ने कुदालों और बेलचों से ग्रामीण किलों पर आक्रमण कर दिया था और उन्होंने अन्य भंडारों को लूट लिया और लगान संबंधी दस्तावेज को जलाकर राख कर दिया था। अब क्या हुआ था, गांव-गांव में अफवाह भी फैल गई थी, जिसके कारण जो लुटेरे थे वो भी भीड़ के कारण लुटेरे भी आ गए थे वहाँ पर, वो जो फसल थी उनको भी क्या कर दिया था, तबाह कर दिया था। और जो भीड़ थी, अन्न के जो भंडार थे, उनने क्या किया था, लूट लिया था। और जो वहाँ के दस्तावेज थे उनको भी क्या कर दिया था, जलाकर राख कर दिया था। और कुलीन बड़ी संख्या में अपनी जागीरें छोड़कर वहाँ भाग गए थे और पड़ोसी देशों में जाकर शरण ले ली थी। अब वहाँ के कोई जागीरें थे वहाँ के, उन्होंने वो वहाँ के गांव छोड़ दिए थे उन्होंने, और जो पास के देश में गए और वहाँ पर रहने लगे। अपनी विद्रोही प्रजा की शक्ति का अनुमान करके लुई सोल्वी ने अतः नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी और मान लिया कि उसकी सत्ता भी संविधान का अंकुश होगा। अब उन्होंने मान लिया था कि ये भी संविधान में होगा। 4 अगस्त 1790 की रात को असेंबली ने करो कर्तव्य और बंधन वाली संपत्ति व्यवस्था के उन्मूलनों का आदेश पारित कर दिया था और पादरी वर्ग के लोगों को भी अपने विशेष अधिकार को छोड़ देने के लिए विवश कर दिया गया था, मतलब उनको भी मजबूर कर दिया था कि वो भी अपने अधिकार को छोड़ दे, और धार्मिक कार्य समाप्त कर दिया और चर्च के स्वामित्व वाली भूमि को भी जब्त कर लिया। इस प्रकार कम से कम 20 अरब लिरवे की संपत्ति सरकार के हाथ में आ गई थी। अब क्या हुआ था, जो धार्मिक जो कार्य थे वो भी समाप्त कर दिए और उसकी भूमि भी क्या कर ली थी, उन्होंने अपने अंडर में कर ली थी। और इसी प्रकार क्या हुआ था, 20 अरब तक कम से कम सरकार के हाथ में संपत्ति लग गई थी। आगे देखिए, फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बन गया। अब जो फ्रांस है वो एक क्या बन गया था, संवैधानिक राज्य बन गया था। नेशनल असेंबली ने 1791 में संविधान का प्रारूप पूरा कर दिया था और इसका मुख्य उद्देश्य कौन था, सम्राट की शक्तियों का था। और एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रित होने के बजाय अब अन्य शक्तियों को संस्थाओं, विधायक, कार्यपालिका और न्यायपालिका में विभाजित कर दिया था और हस्तांतरित कर दिया था। अब जो एक शक्ति को एक हाथ लगने के बजाय सब में उस शक्तियों को विभाजित कर दिया था, मतलब बांट दिया था, किस किस में, विधायक में, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इन सबको दे दिया गया था। इस प्रकार फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ी और चित्र साथ दिखाता है कि राजनीतिक व्यवस्था कैसे काम करती है। अब इस तरीके से राजतंत्र की नींव बन गई थी और एक चित्र है 7 नंबर का, उसमें हमें बता रहा है कि वो किस तरह से उसकी व्यवस्था की गई थी, मतलब किस तरह से उसका अरेंजमेंट किया गया था। आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ये न्यायपालिका है, ये कार्यपालिका है और ये विधायक है। इनके वर्ग इनको क्या कर दिए थे, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे, बांट दिए गए थे। आगे देखिए, 1771 के संविधान ने कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को क्या कर दिया था, सौंप दिया था कि वो इसके अधिकार बनाए।
नेशनल असेंबली अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी और सर्वप्रथम नागरिक एक निर्वाचक समूह का चुनाव भी करते थे जो पुनः असेंबली के सदस्यों को चुनते थे, और जिसमें किसको चुनते थे, सदस्यों को, पुनः जो असेंबली के जो सदस्य रहते थे उनको ही चुनते थे, और सभी नागरिकों को मतदान देने का अधिकार नहीं था। 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले केवल ऐसे पुरुष को सक्रिय नागरिक जिन्हें मत देने का अधिकार था उनका दर्जा दिया गया था, जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे। अब क्या हुआ, क्या करते थे वहाँ पे जो सभी नागरिक है उनको मत देने का अधिकार नहीं था, मतलब उनको वोट देने का अधिकार नहीं था, और वोट देने के लिए सिर्फ 25 वर्ष से अधिक वाले ही वोट दे सकते थे, वो भी कैसे लोग जो कि उनका कार्य करते थे, मजदूरी करते थे और उनका कर चुकाते थे, ऐसे उसमें क्या करते थे, वोट देते थे। और शेष पुरुष और महिलाओं को निष्क्रिय नागरिक के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया था, और निर्वाचक की योग्यता प्राप्त करने पर असेंबली का सदस्य होने के लिए लोगों को करदाताओं की उच्चतम श्रेणी में होना जरूरी था। आगे देखिए, संविधान पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ शुरू कर दिया गया था, और जीवन के अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार, कानूनी बराबरी अधिकार, नेजगर की को रहणी अधिकार, ये सब को भी उन्होंने स्थापित कर दिया था, और इनके अर्थात अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को जन्मतः प्राप्त थे और इन अधिकारों को कोई भी छीन नहीं सकता था। फिर उन्होंने सब अधिकार लागू किए और उन अधिकार को कोई भी छीन नहीं सकता था। राज्य का यह कर्तव्य माना गया था प्रत्येक नागरिक को नैतिक अधिकारों की रक्षा करें, और राज्य का यह कर्तव्य था कि सब जो प्रत्येक नागरिक है उनकी रक्षा के लिए रक्षा की जाए, ये संविधान में लागू कर दिया था। अब देखिए आप पेज नंबर 12 पर आइए, यहाँ पर दे रखा राजनीतिक प्रतीकों के मायने। अब जो राजनीतिक के जो प्रतीक है ये कैसे दर्शाते हैं उसके मायने दे रखे हैं यहाँ पर। देखिए पिक्चर में टूटी हुई जंजीर यहाँ पर दिखाई दे रही है आपको, पिक्चर में टूटी हुई जंजीर दे रखी है ये। यहाँ पर छड़ों का बर्छीदार घट्टर दे रखा है। इस चित्र में क्या दे रखा है, त्रिभुज के अंदर रोशनी बिखेरती आँख, मतलब त्रिभुज के अंदर जो रोशनी है वो दिखाई, वो इसमें दे रखा है। अब ये क्या, राजदंड है, शाही सत्ता का प्रतीक है, एक राजदंड है जो कि क्या है, शाही का प्रतीक है। अब अपनी पूंछ मुँह में लिए सांप, अब ये इसमें सांप दिखाई दे रहा है आपको, ये अपनी मुंह में क्या, अपनी पूंछ को ले रहा है। आगे देखिए, लाल फाइजियन टोपी भी है यहाँ पे, नीला सफ़ेद लाल एंडेनो वाली स्त्री है, और विधि पट भी दे रखा है यहाँ पर। आज की क्लास में हमने पेज नंबर 13 तक पढ़ा है और इसको समझा है, इसके आगे से हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे सोशल साइंस, ठीक है। और आपको सोशल साइंस में जो आपकी बुक का फर्स्ट और जो सेकंड वाला पार्ट है, स्टार्टिंग के जो 2 पार्ट्स है वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, तो आपकी इसकी फेयर कॉपी कंप्लीट करना है और स्कूल में चेक करवाने आना है, सबको कंपलसरी है फेयर कॉपी बनाना, ठीक है। तो सब आएंगे और स्कूल में और फेयर कॉपी चेक करवाएंगे।